माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगनी बिना रही, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो जर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो जर गए। बच्चे नादान चार थे, बेइलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो, फरमान कर गए अंबेडकर औलाद। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूँ जीटी रोड पर और भूमि धम्म जिला बौद्ध विहार पर। देख सकते हैं कितनी सुंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है और उसके साथ में देख सकते हैं बिल्कुल नए अंदाज में पूरे तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ में जो खाद्य लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक और गरीब जरूरतमंद लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर बहुत भिक्षुओं ने मिलकर एक प्रोग्राम प्लान किया है जिसमें गरीब लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। आप हैं परम श्रद्धे भंते राहुल जी जो काफ़ी कोमल हृदय के हैं और लोगों की अलीगढ़ से हरियाणा और हरियाणा से अन्य प्रदेशों में भी बिहार तक आप राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भंते जी मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो शो में। आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आप सबसे। भंते जी लॉकडाउन तो खुल चुका है और लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन ऐसे में मन में विचार क्या आ रहा है जो आप लगातार आपका मदद का जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं? लॉकडाउन खुला है लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। और विशेष रूप से हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये उन महिलाओं के लिए हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, कुछ विधवा है, किसी के पति बीमार हैं। ये सारा कार्यक्रम उसकी सहायता देने के लिए है। भले ही लॉकडाउन खुल गया हो लेकिन लोगों के पास लॉकडाउन खुलते पैसा नहीं आ रहा है, उनके पास कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो दैनिक ज़रूरतों के लिए वो किसकी और मुदा की। तो हमें इस बात के लिए बड़ा फख्र है कि महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुकंपा से जितने भी बौद्ध उपासक हैं वो सब इस काम में हाथ बटा रहे हैं। फिर हमें मिल रहा है, लोग दे रहे हैं। जब लोग दे रहे हैं तो हमें लगता है कि सही समय पर लोगों पर पहुंचना चाहिए। क्या बात, बहुत शानदार बात बताई कि लोग दे रहे हैं तो हमें देने में क्या दिक्कत है। मैं एक शानदार दृश्य दिखाता हूँ दोस्तों और देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक शानदार प्रतिमा या एक बहुत शानदार पेंटिंग है। ये यकीनन किसी बहुत अनुयायी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भक्त ने दी है। जी जी, मैं ये श्रद्धावान उपासक बालक राम बौद्ध जी हैं जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं, दिल्ली के नज़दीक ही रहते हैं। उन्होंने ये बिहार के लिए दी थी कि बिहार के उपासकों के लिए, तो मैंने सोचा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं हो सकता है उनके घर में यह ना हो तो किसी का दिया हुआ उपहार उन्हीं के नाम से उनके घरों में पहुंच जाए, इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं है। कहाँ कहाँ मदद चल रही है और आज मदद का क्या उद्देश्य रहा, बढ़िया से बताइए। धम्म भूमि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन है कि जो भारत के लोग हैं उनका जीवन श्रेष्ठ बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। अगर गरीबी की मार से लोग पीड़ित होंगे तो जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे। आज जो भारत के बौद्ध हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके मन में करुणा पैदा हुई है, करुणा के कारण सहयोग की भावना पैदा हुई है। तो आज मैं देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर पूरे भारत में बौद्ध अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी इस काम में बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। अभी मैंने देखा कि अलीगढ़ के लोग बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, तो हमने सोचा जब सहयोग मिल रहा है तो हमें सुव्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिए। और ये सब दिखाने का हमारा कोई विशेष मकसद नहीं है, ये मकसद सिर्फ इतना है किसको देख करके भारत के और लोग भी प्रेरणा लें, उनकी भी दान परमिता बढ़े, सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएं, तो इससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी की ओर देखना नहीं पड़ेगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी दिव्यापुर में
लगभग 2.5 लाख रुपए का राशन 270 परिवारों को उन्होंने बांटा है। तो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। दिव्यापुर है कोरिया जिले में। इसके साथ साथ उरई के लोगों ने भी बहुत बड़ा काम किया। आगरा की टीम लगातार इस काम को कर रही है। और सबसे बड़ा, जब से लॉकडाउन चला है, दमोह मध्य प्रदेश की टीम लगातार लोगों को, राहगीरों को राशन बांट रही है। तो हम सब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे देश के लोग आंदोलित हों और जो भी जहाँ बैठा है, जिस भी संगठन को चला रहा है, किसी का भी अनुयायी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समाज का है, वो लगातार ये काम करता रहे। ये मानवता का काम है, मानवता के लिए करुणा का काम है, सबके कल्याण का काम है। इसको किसी जाति, गोत्र, भेद या क्षेत्र से हम नहीं जोड़ के देखते। यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं, ये तकरीबन सभी महिलाएं विधवा हैं। हमने सुनिश्चित किया है प्रत्येक जाति में से महिलाओं को चुना जाए, क्योंकि ज़रूरत किसी की भी हो, उसको जाति नहीं देखनी, गोत्र नहीं देखना, वो कैसी है नहीं देखना, उसकी ज़रूरत को देखना है। तो हमारी टीम ने बहुत ईमानदारी से काम किया और घर घर जाकर के उन्होंने सर्वे करने के बाद ये सूची बनाई। उसी आधार पर हमने ये बांटने का काम शुरू किया है। और मैं ये सूची किन किन क्षेत्रों की थी? क्या वो दलित उपासक थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भक्त थे, या बौद्ध महात्मा बौद्ध के उपासक थे, या कैसे कैटेगरी कैसे सेट करी थी? हमने एक ही कैटेगरी सेट की है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी जाति की कोई महिला जो विधवा है, या उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या उसका पति बीमार है, तो जरूरतमंद महिलाओं की सूची बनाने के लिए कहा। हम जाति, गोत्र, धर्म को नहीं देखा। यहाँ जो राशन लेने आई हैं वो किस गोत्र की हैं, किस धर्म को मानती हैं, इसकी हमें कोई प्लानिंग नहीं की है। हमने ज़रूरत को देखा है और उसी हिसाब से, क्योंकि हमारे साथी हैं सारे अलीगढ़ में प्लानिंग है, उन सब ने मिल करके काम किया है। और हमने विभिन्न संगठनों को भी शामिल किया, समता सैनिक दल के लोगों को बुलाया, उन्होंने भी लिस्ट भेजी है, और इसके अलावा BSI के लोगों को बुलाया, उन्होंने लिस्ट भेजी है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने लिस्ट भेजी है। इसके साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन, मैं कि ज़्यादा लोग नाम ही जानता हूँ, मैं अलीगढ़ का रहने वाला नहीं हूँ, तो जो भी संगठन यहाँ सक्रिय थे, उन सब ने भूमिका निभाई है। और मैं तमाम उन संगठन को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने सिलेक्शन में ये भूमिका अदा की है। आप उनका नाम बोलिए जो आपकी टीम है सर, जो गुड वर्कर हैं आपके, जो आपके गुड लिस्ट में, उनको नाम से संबोधित करें तो और अच्छा रहेगा। ऐसा है, नाम तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और समस्या ये आएगी कि मैं किसका नाम ना बोलूँ, क्योंकि यहाँ हर आदमी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए सारे लोग महत्वपूर्ण हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि टीम धम्म भूमि की जो अलीगढ़ की टीम है, उसका ये प्रयास है, और वो सारी टीम ही साधुवाद की पात्र बिना नाम के और बिना पहचान के। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात बताई कि जो भी काम होता है वो बिना टीम के नहीं हो सकता। लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं हमारे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग जो टीम वर्कर्स हैं, कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म के मानने वाले और प्रचारक हैं, उसको बढ़ावा देने वाले, देखिए पूरे तरीके से, कोई हाथ में मोबाइल लिए हुए, कोई मास्क लगाए हुए, और पूरी सेवा भाव से लोग हर तरफ खड़े हुए हैं। पूरे तरीके से पब्लिक डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया, मोदी जी की बातों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। परम श्रद्धेय भंते जी, आपसे बड़े लोग प्रेरित होते हैं, आपके मन में ऐसी क्या बात है जो लोग जो एक बार आते हैं वो आपसे बिल्कुल बंद कर रहे हैं? ये तो मेरा कोई गुण नहीं है, ये तो महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा है, बाबा साहब की अनुकंपा है। हम तो बस सच्चे मन से उस रास्ते पर चल रहे हैं, और जो कुछ हमारे साथ है, जो लोग हमें पसंद करता है, हमारा सहयोगी बनता है, वो बाबा साहब और बुद्ध की अनुकंपा से बनता है, क्योंकि उन्हीं के गुणों पर, उन्हीं के बताए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। बस फर्क इतना है, कोशिश करते हैं कि हम ईमानदारी के साथ इस काम को करें, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, उस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। काम तो सभी लोगों को मिलकर करना है, सर टीम मिलकर करती है। अब आप भी जो काम कर रहे हैं, ये भी इस काम में सहयोगी तो हैं, आप लोगों तक ये आवाज़ को पहुंचाएंगे, इस काम को पहुंचाएंगे, हजारों हजारों लोग इसको देखेंगे और उनके मन में भी भावना जगेगी, तो ये सब एक टीम से होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बनते जी, दानदाताओं को और दान लेने वालों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, दान का मतलब है दूसरे लोगों के कल्याण के लिए, बिना अपने स्वार्थ को देखे हुए जो दान करता है वही दान है। अगर दान देते हुए हमने अपना स्वार्थ देखा, अपना कल्याण सोचा या अपनी पहचान की कोशिश की, तो दान नहीं है। आपको नहीं मालूम होगा ये दान किन लोगों ने दिया है, जिन्होंने दिया है उन्होंने दे दिया, और हम जिनको दे रहे हैं हम भी इनको नहीं जानते हैं, बस दे दिया, उनका कल्याण हो गया। तो दान देने के लिए दान पारमिता की भावना चाहिए,
और दूसरों के कल्याण की भावना मन में होनी चाहिए, अपने लोग की अपने हित की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो देखा दोस्तों साथियों, परम श्रद्धेय डॉक्टर राहुल भंते जी ने कितने अच्छे अंदाज में बताया कि दान देने का कोई स्वार्थ और लालच नहीं होना चाहिए और दूसरे दूसरे की मदद करनी चाहिए और बेहतरीन बौद्ध शिला बौद्ध धर्म को प्रचार करने वाला ये स्थान है और सभी लोग पूरे तरीके से ज़रूरतमंदों के लिए लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों की लगातार मदद हो रही है, लेकिन आज स्पेशल तरीके से मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट के साथ में किया गया है और होना भी चाहिए। जब हम दान दे रहे हैं किसी को तो बनता है कि लोगों को जोड़ें और अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें और देश के विकास में कदम को आगे बढ़ाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।